जी हाँ, बिग बॉस के घर से निकलने से पहले हिना खान हो गई काफी ज्यादा इमोशनल। अब ये तो आप जानते ही हैं कि फिनाले है और फिनाले के बाद बिग बॉस का अंत हो जाएगा, तो वहीं सभी घर वालों को अब घर से बाहर जाना होगा। वहीं हिना खान घर के चप्पे चप्पे में जाकर याद करने लगी कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। कन्फेशन रूम के बाहर जाकर हिना कहने लगी कि कन्फेशन रूम बहुत याद आएगा, यहाँ पर बिग बॉस हमेशा हमें बुलाते थे, हमसे बातें करते थे और हम इस कन्फेशन रूम में जाने को बेताब रहते थे। स्टोर रूम के अंदर जाकर हिना ने कहा कि कपड़े आने का इंतजार, खाना आने का इंतजार, लेकिन बस एक ही बात पर उदासी होती थी, जब हम नॉमिनेशन के वक्त अपना सामान रखते थे, ये सोचते थे कि वापस आएगा भी या नहीं। वहीं किचन में जाकर हिना ने कहा कि यहाँ तो बहुत झगड़े हुए हैं और खाली समय में हमने तो बिग बॉस के घर में लगे डेकोरेशन के तौर पर एप्पल्स भी गिन लिए थे, इसे कहते हैं असली वेलापंती। वहीं हॉल में बैठकर हिना खान ने बिग बॉस की आवाज और उनके टास्क देने के अंदाज को याद किया और इन सब के बाद हिना हो गई काफी ज्यादा भावुक। वेल हिना, अब इसके आगे कंटिन्यू करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ग्रैंड फिनाले आ गया है और इसी के साथ विनर के नाम की अनाउंसमेंट होगी और शो का ये सीजन खत्म हो जाएगा। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।